दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 सेकेंड फेज की वैकेंसी आ गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी हो गया है, तो चलिए फटाफट देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही मिनट पहले बीपीएससी की ओर से यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेकेंड फेज यानी कि द्वितीय चरण शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो चलिए इस नोटिस को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए योग्यता, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ से नोटिस डाउनलोड हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वितीय अध्यापक, इससे पहले देखिएगा तो फर्स्ट चरण में शिक्षक भर्ती की 1,70,000 पदों पर, और यहाँ पर है द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक और प्रधानाध्यापक, इसमें देखिएगा दो तरह का। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित है, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित। अब यहाँ पर सबसे ये है दोस्तों कि आपको ज़्यादा समय मिला ही नहीं है, मात्र एक महीने में देखिएगा तो फॉर्म ही भरवाया जाएगा और एग्ज़ाम सारा कुछ लिया जाएगा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, तो इसके लिए क्या कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाला है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको संपूर्ण डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा दोस्तों आवश्यक सूचना, और द्वितीय अध्यापक नियुक्ति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक, इसमें दो तरह का पोस्ट रहने वाला, पहला तो टीचर के लिए, दूसरा यहाँ पर हेडमास्टर वाला। तो प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 और माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 तथा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक संभावित है। और आप देखिएगा दोस्तों, तो आज से 4 दिन पहले ही आप लोगों को बताए थे कि 1 सप्ताह में ये वैकेंसी आ जाएगी। तो यानी हम आप लोगों को जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फाइनली बीपीएससी की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन फुल वाला क्यों नहीं दिया गया, कितना क्या सीट है। तो देखिए दोस्तों, कुछ समय बाद ये भी आ जाएगा। अभी मेन यहाँ पर ये है, आप लोगों को सूचना इसलिए दे दिया गया है कि यहाँ पर देखिएगा तो 1 महीने से भी कम समय में एग्ज़ाम सारा कुछ लेना है, तो इसलिए हो सकता है 1-2 दिन का टाइम भी लग जाए फुल विज्ञापन में, लेकिन शेड्यूल आपको दे दिया गया है जानकारी के लिए। अब यहाँ पर 6 से 8 टीचर बनने के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन यानी योग्यता रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए। तो यहाँ पर डेट देखिएगा, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित सभी तरह का प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक, यानी देखिएगा तो मात्र 11 दिन का समय दिया गया है। और उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक संभावित है, उपर्युक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो तुरंत यहाँ पर डेट है, मात्र 11 दिन फॉर्म भरने के लिए सारा कुछ रखा गया, फिर 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच परीक्षा। तो देखिए, फॉर्म भरने के डेट में हो सकता है कि 2-4 दिनों का लास्ट में बढ़ाया जाए अगर नहीं फिलअप ये सब चीज़ें होता है, तो बाकी एग्जाम डेट का, तो एग्ज़ाम डेट भी आपको इसी के अनुसार देखने को मिलेगा। पिछली बार भी देखिएगा बदलाव भी हुआ था 1-2 दिनों का, तो ऐसे ही अगर उस डेट में कोई दूसरा एग्ज़ाम रहता, जैसे बिहार पुलिस वाला भी एग्ज़ाम है, तो बिहार पुलिस वाला दोनों आयोग अपने आप में आपस में बातचीत करके, हो सकता है कि बिहार पुलिस वाला 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, 2 दिसंबर 3 दिसंबर, ये 2-3 को चलेगा, फिर अगला रविवार देखिएगा 9-10, तो ये 9-10 वाला आगे भी शिफ्ट हो सकता है। इस तरह से दोनों आपस में आपसी तालमेल के साथ यहाँ पर दोनों परीक्षा होगी, ये नहीं कि एक बढ़ जाएगा, दोनों जिस तरह से देखिएगा, अभी था 30 सितंबर को बीपीएससी का था और फिर 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो इसी तरह से अलग अलग डेट में यह परीक्षा होगी। तो चलिए आ गया, अब यहाँ पर मेन है दोस्तों की क्वालिफिकेशन, खास करके आप 6 से 8 के बारे में जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में 6 से 8 यानी कि वर्ग 6 से 8 टीचर बनने के लिए योग्यता का जो कंडीशन है, DL.ED चाहिए या फिर BED, इसमें ऑप्शनल रहता है DL.ED BED, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, दोनों भर सकते हैं। 1 से 5 में देखिएगा तो कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सिर्फ DL.ED वालों को अलाउ किया गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, DL.ED BED दोनों अलाउ है। साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन DL.ED भी किए हुए हैं तो भी ग्रेजुएशन चाहिए, क्योंकि स्नातक पास पर इसका क्वालिफिकेशन है, DL.ED BED में से कुछ यहाँ पर योग्यता चाहिए। और देखिएगा तो फुल नोटिफिकेशन तो बहुत ही जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, उम्मीद है कि आज ही आ जाएगा, नहीं तो कल तक आ जाएगा 1 दिनों में, जैसे ही सारा कुछ तैयार होगा फिर अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम आप लोग को एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे देंगे सभी चीज़ों के बारे में, आप उसको देख लीजिएगा। 9वीं 10वीं की रही बात, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, तो ये पिछली बार का देखिएगा पैटर्न है, चयन प्रक्रिया तो वस्तुनिष्ठ आधार पर भाषा अर्हता, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पिछला ही भर्ती का 1,70,000 का नोटिफिकेशन है।
तो इसमें देखिएगा जो पैटर्न रखा गया था तो लगभग आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, कुछ खास लगता नहीं है कि बदलाव होगा। और अगर बदलाव होता है तो फिर हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे जब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। रही बात दोस्तों एज के लिए, तो देखिए एज यहाँ पर जो रहने वाला है 21 साल का कंडीशन, और बात करें मैक्सिमम के लिए तो 37 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल, बीसी के लिए 40 साल, जनरल में महिलाओं के लिए 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। योग्यता के बारे में समझ ही आ ही गया, मेरिट तो मेरिट एक ही एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा, एग्ज़ाम के आधार पर आपका बनेगा। तो पिछली बार का जो पैटर्न यहाँ पर रखा गया था भाषा हर्ता भाषा वाला पेपर था जिसमें 75 हिंदी 25 इंग्लिश ये क्वालिफाई था। और इसके बाद देखिएगा समान अध्ययन, तो समान अध्ययन में टोटल 120 क्वेश्चन रखा गया था 2 घंटा का समय। अब यहाँ पर आप जानना चाह रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग ये सब चीज़ें रखा जाएगा, यानी फुल नोटिफिकेशन आएगा क्लियर हो जाएगा, चांस है कि इस बार नेगेटिव रखा जाए। और यहाँ पर ये हो गया 120 क्वेश्चन 2 घंटे का। और देखिए दोस्तों सबसे मेन है तैयारी, तो देखिए तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ जाइए। देखिए हम आप लोगों को जो तैयारी करवाते हैं ये जो स्पेशली चैनल है बिहार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है, जिसमें बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार एसएससी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो आप सभी अगर हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ते हैं, कम ही समय है, इतनी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। जो बीपीएससी का पैटर्न है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वाला, जो अन्य पैटर्न देखिएगा बिहार एसएससी ये सब का जो पैटर्न है, इसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तरह इसमें भी क्वेश्चन का लेवल सारा कुछ रहने वाला है, तो आपका सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, इसलिए आप सभी जुड़ सकते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ये पैटर्न पिछली बार का है, लगभग वैसा ही देखने को मिलेगा। बाकी 9वीं 10वीं का देखिएगा यहाँ से, तो 9वीं 10वीं में तो क्लियर ही है कि यहाँ पर 80 और 40, 80 यहाँ पर हो गया जो सब्जेक्ट है आपका उससे, और 40 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ रीजनिंग जी के साइंस से। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप सभी ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म का डेट सभी चीज़ों के बारे में आप देख ही लिए, और फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर कर देंगे।